नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, बात करेंगे अष्टम में बैठे हुए शुक्र के बारे में। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र की स्थिति व्यक्ति के रिश्तों, धन और भावनात्मक स्वभाव पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती। ये विशेष स्थान प्रेम और धन के मामलों में गहरी भावनाओं, तीव्रता और परिवर्तन पर जोर देता है। अष्टम भाव में बैठे शुक्र वाले व्यक्तियों में एक चुंबकीय और कामुक आकर्षण होता है जो दूसरों को आसानी से आकर्षित करता है, लेकिन वे अक्सर अपने रिश्तों में गहन संबंधों और परिवर्तनकारी अनुभवों की इच्छा का अनुभव करते हैं। ऐसे व्यक्ति गहरे भावनात्मक संबंधों की तलाश कर सकते हैं और उनके प्रेम जीवन में गहरे बदलावों का अनुभव होने की संभावना है। अष्टम भाव में शुक्र वाले व्यक्ति वित्तीय मामले में केंद्र बिंदु बन जाते हैं। उनमें वित्तीय सुरक्षा की तीव्र इच्छा होती है और विशेष रूप से साझेदारी, इन्वेस्टमेंट और विरासत के माध्यम से धन को आकर्षित करने की इच्छा और आदत हो सकती है। हालांकि उन्हें अपने वित्तीय मामलों में चुनौतियों या अप्रत्याशित बदलावों का भी सामना करना पड़ सकता है। आठवां घर साझा संसाधनों, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और विरासत के साथ संबंध के लिए जाना जाता है और इस घर में शुक्र वाले व्यक्तियों को उन माध्यमों से वित्तीय लाभ या हानि का अनुभव हो सकता है। भावनात्मक रूप से अष्टम भाव में शुक्र वाले लोगों में अत्यधिक गहराई, जुनून और तीव्रता होती है। वे अंतरंग और परिवर्तनकारी अनुभवों की ओर आकर्षित होते हैं, अक्सर गहरे संबंधों की तलाश में रहते हैं जो व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन ला सके। वे दूसरों की छिपी हुई प्रेरणाओं और इच्छाओं के बारे में विशेष रूप से संवेदनशील हो सकते हैं। अष्टम शुक्र वाले जातकों के अंदर लोगों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने की जन्मजात क्षमता होती है। हालांकि वे ईर्ष्या, स्वामित्व या रिश्तों में विश्वास से जुड़े मुद्दों से भी जूझ सकते हैं, क्योंकि आठवां घर तीव्र भावनाओं और शक्ति संघर्ष ला सकता है। कुल मिलाकर आठवें घर में शुक्र की स्थिति व्यक्ति के जीवन में परिवर्तनकारी अनुभवों, करीबी संबंधों और वित्तीय यानी धन की सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। अष्टम भाव का शुक्र शारीरिक संबंधों में कुछ विकृतियां भी देता है, जिसपे मैं बोलने से बच रहा हूं, आप लोग समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।